बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को पहले हमने डिफाइन करना है कि कंप्यूटर क्या है, फिर उसके बुनियादी कंपोनेंट बताने हैं, प्राइमरी कंपोनेंट के कंप्यूटर के बुनियादी कंपोनेंट कितने हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बुनियादी कंपोनेंट कौन से, ये हमारा टॉपिक है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन करते हैं। देखें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का काम हमारे काम को आसान करना है। पहले तो ये मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता जाऊं। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, क्योंकि वो एक मशीन है, बेजान चीज है। कंप्यूटर ने काम करना होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं इंसान। सॉफ्टवेयर में क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को मिलती हैं और कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर काम क्या कर रहा होता है, जो हमें मसला होता है उस मसले को हल कर रहा होता है सॉफ्टवेयर के जरिए। वो इनपुट ले रहा होता है और आउटपुट दे रहा होता है। वो जो इनपुट है वो नाखालिस चीज होती है, उस पर अमल करके उसको खालिस बना के हमें दे रहा होता है, जो हमें समझ आ जाते हैं हमारे काम की होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये भी है, ये इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पहले ये इसको लिख लेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिजिटली काम करती है। दैट कैन बी यूज टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा लेती है, प्रोसेसिंग ऑन डाटा, फिर उस पर अमल करती है, एंड गिव इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन को आउटपुट भी कह सकते हैं, एंड स्टोर इट, फिर उसको स्टोर भी करती है फॉर लेटर यूज, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। इसी चीज को स्टोर क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको हमें बाद में इस्तेमाल करना होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, शॉर्ट करके लिख रहा हूं, इज अ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिखने मजीद बेहतर, दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, डाटा लेती है, प्रोसेस ऑन डाटा, और डाटा पे अमल करती है, एंड गिव, और देती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को आउटपुट भी कह सकते हैं और डाटा को इनपुट भी कह सकते हैं। हाँ, एक्सेप्ट डाटा, एक्सेप्ट इनपुट भी कह सकते हैं, गिव इंफॉर्मेशन, गिव आउटपुट भी कह सकते हैं, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, बाद में इस्तेमाल करने वाले। सच मशीन इज नोन एज कंप्यूटर, ऐसे मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो डाटा लेती है, ठीक है, फिर उस पर अमल करती है और हमें देती क्या है, इंफॉर्मेशन मतलब आउटपुट, ताकि उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। वो भी ऐसे रहा है, कंप्यूटर डाटा ले रहा होता है, फिर उस पर अमल करके हमें दे रहा होता है। वो जो दे रहा होता है वो आउटपुट है, और जो ले रहा है वो इंफॉर्मेशन है। चार प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर के, ये भी याद रखें आपने, बुनियादी कंपोनेंट कंप्यूटर के चार है, बाकी इसी से आगे फिर निकाले गए हैं। पहला प्राइमरी कंपोनेंट
इनपुट डिवाइसेस, पहला प्राइमरी कंपोनेंट है इनपुट डिवाइसेस। पहले मैं आपको इनपुट की डेफिनेशन बताता जाऊं, सिंपल सादा अल्फाज में, वो चीज, हर वो चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और वो क्या होती है, वो डाटा होता है। डाटा क्या होता है, नाखालिस चीजें, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। जो भी चीज हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है, लेकिन हम इनपुट ऐसे थोड़ी होता है कि हम खुद ही डाल रहे होते हैं, वो किसी डिवाइसेस के जरिए आगे देते होते हैं, और वो डिवाइस होते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, आर डिवाइसेस दैट कैन बी यूज टू इंटर डेटा टू अ कंप्यूटर, ऐसे डिवाइसेस जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, ऐसे डिवाइस क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कॉमनली यूज होते हैं, और भी हैं बहुत सारे। तो इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या है, अ डिवाइसेस दैट कैन बी यूज इंटर डेटा टू अ कंप्यूटर, ऐसे डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ऐसे डिवाइस इनपुट डिवाइस है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये कॉमनली यूज होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्राइमरी कंपोनेंट प्रोसेसिंग डिवाइस, ये हम प्राइमरी कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी कंपोनेंट कंप्यूटर के बुनियादी कंपोनेंट, इनपुट डिवाइसेस हो गए, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में कॉमनली प्रोसेसिंग डिवाइस आपको भी पता है, सीपीयू, यह प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, और इसका शॉर्ट नाम है प्रोसेसर, पूरा नाम है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, और शॉर्ट इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, यह है प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका नाम जैसा नाम है काम भी वैसे, प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग करता है अमल, किसके ऊपर, डेटा के ऊपर, फिर उस पे अमल करके उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। तो प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डेटा, ऐसे डिवाइस जो डेटा पे प्रोसेस करते हैं, अमल करते हैं, उनको प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। और वो कौन सा है, वो एक ही है हमारे पास जो बहुत फेमस है, प्रोसेसर सीपीयू है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस करता है, अ डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डेटा इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस, और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, सीपीयू है। इसी तरह हमारे पास है प्राइमरी कंपोनेंट, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस ये भी प्राइमरी कंपोनेंट है। पहले हम आउटपुट की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन करेंगे। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस, सॉरी पहले मैं आउटपुट की डेफिनेशन बता दूं, आउटपुट सिंपल कॉमन एक सादा डेफिनेशन,
जो भी चीज हम कंप्यूटर से लेते हैं उसको आउटपुट कहते हैं. एनीथिंग गेटिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट. एनीथिंग गेटिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट. ये आउटपुट की डेफिनेशन है. फिर आउटपुट जो चीज हम कंप्यूटर से लेते हैं आउटपुट है. अब कंप्यूटर से हम ये थोड़ी होता है कि हम खुद ही उठा रहे होते हैं ऐसे आपके साथ. वो हम उठाते होते हैं लेते होते हैं किसके जरिए? डिवाइसेस के जरिए. और वो डिवाइस जो हमें कंप्यूटर से डाटा लेके दे रहे होते हैं उन डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं. तो आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या बनी? आर डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट डिवाइस. ऐसे डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर से डाटा लेते हैं उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. और वो कौन से हैं? मोस्ट फेमस आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं और भी हैं. तो पहले मैंने आउटपुट की डेफिनेशन बताई कि जो चीज कंप्यूटर से लेते हैं वो आउटपुट है और वो डिवाइस जिसके जरिए आउटपुट लेते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं. डेफिनेशन इसकी तो आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या हुई? आर डिवाइसेस दैट कैन बी यूज टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर. ऐसे डिवाइस जिसके जरिए कंप्यूटर से डाटा लेते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं. और इसकी फेमस एग्जांपल है मॉनिटर. स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं और भी हैं. प्लॉटर है. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस ये भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं. सॉरी प्राइमरी डिवाइसेस में आते हैं. प्राइमरी कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस. ये चार प्राइमरी कंपोनेंट है, बुनियादी कंपोनेंट है कंप्यूटर के. इनके नाम से पता चल रहा होगा स्टोरेज डिवाइसेस. ऐसे डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर करते हैं हमें स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. परमानेंटली स्टोर, परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल. मतलब ये कि जब तक हम खुद उसमें से डाटा डिलीट नहीं करते वो नहीं जाएगा, वो डाटा रहेगा उसके अंदर. इन्हें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं. और इसकी एग्जांपल है जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, फ्लैश है, ये सारे क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ये भी हमारा प्राइमरी कंपोनेंट में आता है. आर डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस. ये डेफिनेशन हो गई. आर डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी स्टोर डाटा परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस, आल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस. इसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ठीक है, यूएसबी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारे क्या हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंट. तो ये हमारे चार बुनियादी कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के. बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं इन्हीं से निकाले गए हैं, ये चार मेन हैं. तो ये हमारा टॉपिक था. कंप्यूटर को पहले डिफाइन करना था, कंप्यूटर की डेफिनेशन, फिर उसके बुनियादी कंपोनेंट चार है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस. तो ये हमारा टॉपिक था और ये खत्म हुआ. नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम
नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।